अंतर्राष्ट्रीय ताजरंग महोत्सव का आज चतुर्थ दिन है और सभी कलाकारों ने अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर नगर निगम में अपनी रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी हैं, जिनका स्वागत आदरणीय हमारे महापौर आदरणीय नवीन जैन जी द्वारा किया गया है और उनके साथ ही पार्षद लोगों ने भी कलाकारों का स्वागत किया है और जो यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखी हैं पुनीत जैन जी ने देखी हैं। आज कहाँ कहाँ से टीमें हैं जो यहाँ परफॉर्मेंस दे रही हैं? बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, इंडोनेशिया से हैं, उसके अलावा भारत के विभिन्न प्रांतों से भी कलाकार उपस्थित हुए हैं। आज नगर निगम में मुख्य कार्यक्रम है तो क्या कुछ विशेष थीम के आधार पर? आज हमारे सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य था कि हम स्वच्छता के लिए एक संदेश दें, तो दिल्ली के कलाकारों ने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करके स्वच्छता का संदेश दिया है। ये पंचम अंतर्राष्ट्रीय ताजरंग महोत्सव के अंतर्गत प्रांतों से कलाकार आए हुए हैं और स्वच्छता के ऊपर ये अपना अभिनय दे रहे हैं, क्यों हम स्वच्छ भारत को लेकर के कार्यक्रम भी यहाँ पे काफ़ी हो रहे हैं और यहाँ पर पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है इस बार। ये सबसे अच्छी बात है कि पॉलीथीन को इसमें बहुत ध्यान रखा गया है कि प्लास्टिक के गिलासों का प्रयोग ना किया जाए और सबसे अच्छी बात है कि जो यहाँ के कलाकार जो दूर दूर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए हुए हैं, सबको कपड़े के थैले और एक स्टील का गिलास सबको दिया गया है कि आप प्लास्टिक के गिलासों को यूज़ ना करें और पॉलीथीन का यूज़ ना करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया इस बार इस ताजरंग महोत्सव के अंदर। Oh,